नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। आज हम आए हैं सदर परिसर में चौरंगी काठी रोल शॉप में। आइए उनसे जानते हैं कि इस लॉकडाउन से या फिर इस गाइडलाइन से जो प्रशासन ने लगाई है उनके शॉप के ऊपर, उनके कारोबार के ऊपर क्या असर पड़ा है। अपना नाम बताइए। ऋषु सिंह। ऋषु सिंह, हाँ जी। सर मुझे बताइए कि प्रशासन ने जो लॉकडाउन लगाया है जी, उसके ऊपर आपका क्या समर्थन है, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। यार मैं तो बोलूँगा लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग वैसे भी घूम रहे हैं, रूल्स उतने फॉलो हो नहीं रहे। एंड जैसे हम होटल इंडस्ट्री वाले हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि इन्होंने जो गाइडलाइन एंड टाइमिंग दी है 7 बजे तक का, हमारे मेन जो कस्टमर्स हैं खाने वाले या ऑनलाइन वाले जितने भी हो, आफ्टर 7 ही आते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए बहुत लॉस हो रहा है, हमारा बिजनेस डायरेक्ट 50% से भी ज़्यादा लॉस में आ गया है। जितने हमारे होटल इंडस्ट्री वाले सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं अभी राइट नाउ, क्योंकि हमें रेंट देना पड़ता है, लड़कों की सैलरी देनी पड़ती है, उनका अरेंजमेंट, सारी चीज़ें। और बीच में जो लॉकडाउन था, एटलीस्ट अगर वो ये रूल्स ला रहे हैं तो उनको ये लेना चाहिए कि रेंट माफ़ हो हम पे, हमें रेंट भी पूरा देना पड़ रहा है, हमें सैलरी भी पूरी देनी पड़ रही है। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं लेकिन ये तो लगाया हम सभी के लिए है ना, ताकि जी मैं मान रहा हूँ मैम, बट बात क्या है कि आप लगा रहे हैं तो कम्प्लीट लगाओ, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप ये रूल्स लो एटलीस्ट जिनकी रेंटेड प्रॉपर्टी है, मैं वो बोल रहा हूँ उनको थोड़ा हेल्प मिले। तो आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, टाइमिंग को लेकर? टाइमिंग का भी है मुझे टाइमिंग, क्योंकि अगर हमें लेट भी स्टार्ट करने बोलते हैं हमें कोई इशू नहीं है, हमें आप लेट दो, बट हमें एटलीस्ट आप 9 या 10 बजे तक का टाइम दे दो। ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध? ऑनलाइन सुविधा है मैम, बट ऑनलाइन में हम जैसे जोमेटो स्विगी के थ्रू करते हैं, तो जोमेटो हमसे 28% स्विगी हमसे परसेंटेज वाइज लेते हैं, तो उसमें हमें प्रॉफिट नहीं होता, हमें प्रॉफिट होती है यहाँ के ऑर्डर्स पे। तो आप ऐसा कुछ रख दो कि एक बार में 2 कस्टमर्स रहे, या कुछ डिफरेंट रूल्स लो जिससे हमें भी प्रॉफिट हो आपका भी रहे। मैं समझ रहा हूँ केसेस बढ़ रहे हैं, बट मुझे भी देखना पड़ता है, जैसे आप देखोगे मेरे लड़के हैं इनका खाना पीना रहना सब मैं देखता हूँ, रेंट का। अभी बीच में जब पूरा लॉकडाउन लगा था तब भी सरकार ने हमें कुछ भी वो नहीं कराया कि हमें बंद दुकान का हमने रेंट दिया बहुत ज़्यादा, और अभी भी हम रेंट दे ही रहे। एटलीस्ट आप रेंट पे कुछ माफ़ करवा दो तो हमें कोई इश्यूज़ नहीं है। और बाकी चीज़ें ये भी देख रहा हूँ मैं, लोग घूम तो रहे हैं उसमें उतना रोक टोक नहीं लगा रहा सरकार। क्या शॉप से आप अवेलेबल नहीं करा रहे हो अपने? नहीं मैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी जो ऑर्डर आ रहे हैं टिल 7 तक का गाइडलाइन है, तब तक दे रहा हूँ। 7 के बाद भी बहुत सारे 1-2 कस्टमर्स आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमें पार्सल दे दो आप, हम बाद में ले लेंगे, बट हम नहीं कर रहे क्योंकि हम रूल फॉलो कर रहे हैं गवर्नमेंट का। बाकी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स कर रहे हैं, बट हमारा ऐसा है कि रूल्स फॉलो करने पे हम बिलीव करते हैं। क्या क्या अवेलेबल है आपके पास? मैम हमारे पास काठी रोल्स है, मोमोज है, तंदूर के आइटम्स हैं, ये बेसिक हमारे मेन चीज़ है। हमने फ्यू थोड़े आइटम्स रखे, बट जो भी रखे हैं वो हमारे फेमस है बहुत। बाकी सबसे अलग में कुछ अलग टेस्ट? हाँ जी मैम वही है मैम, हमारे रोल्स नागपुर में सबसे अच्छे माने जाते हैं। हमारे पास जो मोमोज है तंदूरी मोमोज वो भी अलग है। स्पेशलिटी मैम यहाँ पे आपको नहीं मिले, मेरे सारे शेफ जो है सब बाहर के, दिल्ली साइड हों, मतलब नागपुर के लोकल शेफ्स मैं नहीं रखता हूँ, बाहर के रखता हूँ, नॉर्थ इंडियन टेस्ट देते हैं हम थोड़ा, तो इसलिए हमारा थोड़ा अच्छा नाम है रोल्स एंड मोमोज। पहले मेरे पास टोटल 6 लोगों का था, बट अभी यहाँ पे 3 शेफ हैं और एक हमारे मैनेजर है। अच्छा। ऐसा है, पहले हमारे टोटल 5 शेफ होते थे और एक मैनेजर, ऐसा था, बट अभी ड्यू टू कोविड स्टाफ भी हाफ किया हमने, तो सैलरी क्योंकि हम भी मैम हमारे भी लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इस कारण से हमने सैलरी भी करने देखने के चक्कर में ये सारी चीज़ें की हैं इनका, क्योंकि मैं लॉजिंग भी मैं ही देखता हूँ, इनका A to Z खाना पीना भी सब मेरे पे ही रहता है, तो फैमिली मेंबर टाइप से मेरे, तो इनका भी मेरे को सोचना पड़ता है सारी चीज़ें अभी लॉकडाउन में, क्योंकि मेरे पास अगर पैसे नहीं भी आ रहे हो तब भी मैं इनको सैलरी और सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि अब यहाँ पे हैं तो वो मेरे भरोसे हैं, तो वही है मैम ये सारी चीज़ें हैं। जैसे दिन ब दिन पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। यस तो वो मैं भी मान रहा हूँ। नॉर्मल जो लोग हैं, आम जनता जो है, उनको अपने तरफ से कोई आप मैसेज देना चाहते हो? हाँ मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये लॉकडाउन लगा है तो इसको आप फॉलो करो, ना कि आप और घूमने निकलो, सिटी के बाहर जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि सिटी के बाहर जाके हम पार्टीज करेंगे या घूमेंगे, तो उससे केसेस और बढ़ने वाले। लॉकडाउन मीन्स आप प्रॉपर रूल फॉलो करो, घर पे रहो, फैमिली के साथ रहो, मास्क पहनो आप। ये घूमना मुझे सही नहीं लग रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा लॉकडाउन है तो बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, घर पे पार्टी कर रहे हैं, तो वो नहीं। आप कुछ दिन फॉलो करोगे तो लॉन्ग टर्म हमें ही फ़ायदा होगा जी। और गवर्नमेंट ने जो ये गाइडलाइन लगाई है, क्या आपके हिसाब से सही लगाई है वो गाइडलाइन? मैम वो तो उनको करना पड़े, उन्होंने लगाया सही है, बट आप थोड़ा मीटिंग करो, जैसे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड वाले, जैसे हम हैं फूड इंडस्ट्री वालों से आप बात करो, थोड़ा हमारे लिए रूल्स थोड़े से चेंजेस कर दो, कि जो टाइमिंग है
आप भले हमें लेट ओपन करो हमें चलेगा, रात में थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो, क्योंकि मेन खाने का जैसे कोई भी हो जॉब वाला हो या बिजनेस वाले हो, वो 8 बजे के बाद ही फ्री होते थोड़ा, तो आप वैसा करा दो। और आप ये बोलो हमें कि हम पूरा प्रॉपर पैक कर दें, एक एक करके ऑर्डर दे, तो वो भी चलेगा हमें, बट 7 बजे तक हमारा वॉक इन बिजनेस ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा मेन बिजनेस आफ्टर 8 होता है। तो मतलब इस लॉकडाउन से आपके भी कारोबार पर असर पड़ा? मैम बहुत ज़्यादा मेरा इनफैक्ट एक तो और रेस्टोरेंट था उसको तो मुझे बंद करना पड़ गया लॉकडाउन के कारण। मेरा लॉक वाली स्क्वायर पे था, सिंग्स काटी रोल्स करके, वो प्रॉपर डाइनिंग था, बैठने का भी था, बट ड्यू टू कोविड सारी चीज़ें रेंट एंड ऑल नहीं देख पा रहा था, तो वो मैंने डिस्पोज कर दिया, तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। वो तो हम सर्वाइव कर रहे हैं अपने हिसाब से, मतलब मैं पूरी प्रॉफिट तो कुछ आ नहीं रहा, घर से ही पैसे लगाए जा रहा हूँ, अभी लगाए जा रहा हूँ, अब कब तक लगा पाऊँगा वो नहीं पता मुझे, बट ये कि थोड़े से रूल्स अगर वो गवर्नमेंट देखती है हमें मिलती हैं, जैसे होटल इंडस्ट्री वाले हो गए, उसी तरह सबसे डिफरेंट इंडस्ट्री वालों से मिले, उनसे उनके पॉइंट्स जाने, हम एग्री हैं आप लॉकडाउन करो या फिर आप रूल्स लाओ स्ट्रिक्ट करो चलेगा, बट थोड़ा सा हमारे लिए भी चीज़ें देख के करो तो हमारे लिए, क्योंकि यहाँ लॉकडाउन से नहीं तो गरीबी से लोग मर जाएंगे, ऐसा भी हाल है। हाँ, जैसे कि आपने देखा कि सरकार ने गाइडलाइन तो लगा दी है, लेकिन ये नहीं सोचा कि जिनके छोटे मोटे या फिर बड़े भी कारोबार हैं उनके ऊपर बुरा असर तो हो ही रहा है। लॉकडाउन तो लगा लिया, शॉप्स नहीं चल रहे हैं, ऑनलाइन सुविधा तो उपलब्ध करा दी, लेकिन शॉप्स में किसी को आने को एंट्री नहीं दी जा रही है। तो सबका कहना यही है कि लॉकडाउन तो लगा लिया, लेकिन उनका जो स्टाफ है, उनके जो स्टाफ मेंबर है, उनको पूरी तरीके से उनको सैलरी भी देनी पड़ती है, हर चीज़ की सुविधा भी उपलब्ध करानी पड़ती है। तो लॉकडाउन से ऐसा कोई असर अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल हम अभी सदर एरिया में, तो आप देख सकते हो कि बहुत रश दिख रहा है, लोग प्रिकॉशंस तो ले रहे हैं, पर दिन ब दिन कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं।